खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में टिकाऊ खेती पर चलाए जाते विशेष अभियान। गेंदा फूल में कीट ले बचाव के तकनीकी जानकारी। पत्ता गोभी के सौरव अगेती वैरायटी। पालक भाजी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवतरी थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में किसान मन बर लाभप्रद और टिकाऊ खेती करवाए के उद्देश्य ले और मृदा के स्वास्थ्य सुधार बर सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जाते। पिछले 3 साल में लगभग 2 लाख किसान मन एकर से फायदा ले चुके हैं। संगे संग वर्मी कंपोस्ट पक्का टांका निर्माण और वर्मी कंपोस्ट SDPE टांका के स्थापना भी करे के प्रावधान है। कम गोबर ले ज्यादा खाद के उत्पादन करे के उद्देश्य ले पक्का नाटे टांका के निर्माण करे के भी योजना है। ये योजना ले हमर किसान भाई मन कम लागत में अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ले जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। गेंदा के फूल में कीट के प्रकोप ह बहुतायत होते। ये कीट मन ह फूल और पौधा के पत्ती मन ल चूस के खराब कर देते, जेकर ले फूल मन ह सड़ के गिरे ल धर लेते। एकर बचाव करे बर डाइमिथोएट दवा ल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। सड़े फूल और पत्ता ल तोड़ के फेंक देना चाहिए या जमीन में दबा देना चाहिए। एकर ले फूल ह बने घना होते और बने उत्पादन मिलते। अब खेती संबंधी खास खबर। सूक्ष्म सिंचाई ला प्रोत्साहन करे के उद्देश्य ले राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ करे जाही, जेकर अंतर्गत किसान मन ला इकाई लागत के 75% अनुदान के रूप में दिए जाही। एकर बर 25 करोड़ रुपया के प्रावधान रखे गए है। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये हैरो का इसलिए उपयोग किया जाता है जिस खेत में आज के जो हार्वेस्टर से जो कटिंग होता है उसमें नीचे का जो जड़ आता है उसको एकदम बारीक करके जिसको ग्रीन खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और जिस खेत में जड़ की मात्रा ज्यादा होते हैं उस खेत में इसको ज्यादा उपयोग किया जाता हैरो का। इसमें 20,000 रुपीज का गवर्नमेंट सब्सिडी है। इसका कीमत है 55,000 रुपीज। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। पत्ता गोभी के व्यावसायिक खेती करे बर एकर उन्नत किस्म है सौरव अगेती। सौरव किस्म के पत्ता गोभी हा बोवाई के बाद लगभग 50 दिन में तैयार हो जाते। ये किस्म के पत्ता गोभी मन नीला हरा रंग के फूल ज्यादा ठोस और ज्यादा बड़े होते। एक एक पत्ता गोभी के वजन 1 किलो के लगभग होते। ये प्रकार से सौरव किस्म के गोभी हा ज्यादा उत्पादन देवैया किस्म आए। सफलता अगर कोनो किसान हा नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा सब्जी के खेती घलो करत है और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। ऐसन है बिलासपुर जिला के किसान नरेंद्र भाई हा अपन आधा एकड़ के खेत में पालक भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवे। ओहर जानकारी देवत बताते कि ओकर ये पालक भाजी के खेती करे मा निंदाई कोड़ाई सिंचाई बुआई और खाद पानी के व्यवस्था मा ओला लगभग 25 से 30 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवे। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 50 से 55 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ओ मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमर प्रदेश के अलग अलग मंडी मा धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति मा धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति क्विंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति मा धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति क्विंटल।
भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति क्विंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में टमाटर के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करिया व्यापारी मन बताते कि थोक में अगर भाव 5-6 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 8-10 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1309 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1425 रुपया प्रति क्विंटल। धान स्वर्णामासुरी नया ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति क्विंटल। स्वर्णामासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1302 रुपया प्रति क्विंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1302 रुपया प्रति क्विंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1420 रुपया प्रति क्विंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1075 रुपया ले 1309 रुपया प्रति क्विंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। स्वर्णामासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1304 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाए और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नील लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ क्या करूँ? हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी जी जी। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार। संगवारी हो, तुमन जाना था हो, हमार तैया के सियान मन कहते हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान और अधम चाकरी भीख निदान, माने दुनिया के सबसे श्रेष्ठ काम अगर माने जाए तो खेती माने गए है। काबर की खेती में अपन स
साथ साथ में जतका जीव है संसार के तेकर सबके भला होते संगवारी हो। तो खेती किसानी करे बर अगर कहीं सही विधि विधान से करे जाए तो वही जगह में हम ज़्यादा पैदावार ले सकत हन। और वो कहूँ सही बीज के चयन करें, आजकल के जो नवा नवा तकनीक आए तेखर लगूँ हम जानकारी लेके काम करबो तो हमला खेती किसानी में बहुत फायदा होगी। संगवारी हो जैसे एक एकड़ के माँ अगर धान लगाए हन तो धान कहूँ एक किलो बेचबो तो हमला 13-14 रुपये मिली, लेकिन ओखरे जगह हम कहूँ हम हरदी लगा दें तो ये मान के चलो को कई गुना हमला फायदा होगी। अर्थात हम बीजल कहूँ बदल देबो तब हमारे उत्पादन कथे संगवारी हो। हरदी तुमन जानते हो कते ऊंचा अच्छा चीज माने जाते, हरदी के बहुत बढ़िया दाम मिलते, ओखर दवाई अलग बन थे और संगे संग में हमार साग भाजी है बिन हरदी के बन नहीं सके संगवारी हो। तो वैसने धमतरी जिला के पास में हमारे एक जन आमदी गांव के किसान है हरिराम जी, तो उन्हें नरियर के संग संग में बहुत सुंदर हरदी लगाए है। तुमन देखा तो चारों कुत्ती दिखा दे ओखर पेड़ है। तो हरदी लगाए के पहली खेत के तैयारी कैसे करे जाए, कतका गहीर जोते जाए, कैसे वो भुरभुरा बनाया जाए, ओमा के कचरा माटिल कैसे निकाले जाए, ओमा मांदा के जरूरत पड़ते कि नहीं पड़े, खेत के तैयारी के समय में थोड़ा बहुत खातू घरों डाले पर ही कि नहीं, ये सब बात ला आवा पहली जान लेते। अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मटियार दोमट या बलुई दोमट भूमि में हल्दी की सफल खेती की जा सकती है। भरपूर बढ़वार और उम्दा उत्पादन के लिए हल्दी उर्वर भूमि चाहता है। हल्दी तो गर्म तर जलवायु का पौधा है, लेकिन समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर ऊंचाई तक के स्थानों में भी इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी वृद्धि में तापमान का भी प्रभाव विशेष रूप से देखा गया है। जब वायुमंडल का तापमान 20 सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तब इसकी बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हल्दी की सफल खेती के लिए बुआई और उगने के समय कम वर्षा और पौधों की बढ़ार के समय अधिक वर्षा और फसल पकने के एक माह पहले सूखा वातावरण हो तो ऐसे वातावरण को हम हल्दी के लिए आदर्श वातावरण कह सकते हैं। हल्दी को अधिकतर छाया देने वाली फसलों के साथ बोया जाता है। हमारे राज्य का मौसम और वातावरण हल्दी के लिए मुताबिक है। फसल उत्पादन से पहले खेत को तैयार करना चाहिए, जिसमें खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए और संभव हो तो मांदा निर्माण भी कर लेना चाहिए। हल्दी की अधिक पैदावार देने वाली सभी किस्मों को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अल्पकालीन किस्में। ये किस्में 7 महीने में तैयार हो जाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं अमलापुरम और द्रिंद्रोगैमे। 9 महीने में तैयार होने वाली हल्दी की किस्में कहलाती हैं दीर्घकालीन किस्में। इस वर्ग में आने वाली किस्में हैं आरमूर, टेकुरपेट, डुग्गी रैला और माइड्यूकर। 8 महीने में तैयार होने वाली हल्दी की किस्में कहलाती हैं मध्यकालीन किस्में। इस वर्ग से संबंध रखने वाली किस्में कहलाती हैं कर्नाटक में उगाई जाने वाली मुडगा, बालगा, येलचाला आदि। महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली मध्यकालीन हल्दी कहलाती हैं लौखेड़ी और सोनी। तमिलनाडु में उगाई जाने वाली हल्दी कहलाती है चिन्नानादन, पेरुनादन, मद्रास मंजल आदि। उड़ीसा में मध्यकालीन हल्दी गौतम के नाम से जानी जाती हैं। मध्य प्रदेश में हल्दी की इन्हीं किस्म को बरुआ सागर के रूप में पहचाना जाता है और हमारे राज्य में मध्यकालीन हल्दी ही चलन में है, जिसे आमतौर से हल्दी या फिर सोना हल्दी के नाम से पुकारा जाता है। किसान किसानिन भाई बहनी हो तुमन ते बात ले जानबेच करता हो कि कोनो भी फसल होए बिन पानी के वो होच नहीं सके, क्यों जहाँ पानी तिहाँ जिनगानी। तो संगवारी हरदी पर पानी कैसे लागी, काबर की कहूँ मांदा बनाते थे मैं ड्रिप पद्धति से डाल लेथन, कुछ स्प्रिंकल से डालथन और कुछ बहवा के, लेकिन हरदी के पौधा कैसे लगते और लगे के हिसाब से जड़ में पानी कैसे मिलाए, कम पानी कैसे खर्चा होए, हमार बिजली कैसे कम बाँचाए और पानी पूरा हो जाए, आवाज ये जानथन कि हरदी बर पानी के प्रबंधन कैसे करे जाए।
अप्रैल में बोई गई फसल की गर्मियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई की जानी चाहिए। प्रकंद निर्माण के समय भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उपज में भारी कमी हो जाती है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे काफी मात्रा में जल और श्रम की बचत होती है और सिंचाई सुविधाजनक भी होती है। हल्दी की खेती के लिए एक और बात है जिसे सभी किसान बंधुओं को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए, वो ये कि सभी प्रकार की भूमियों में जल निकास की उचित व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। खेत में पानी भरे रहने की दशा में घन कंदों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। उचित जल निकास के लिए खेत के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर गहरी नाली बना दिया जाना चाहिए। भारी मृदाओं में जहां जल निकास का उचित प्रबंध नहीं होता, वहां हल्दी की खेती मेड़ों में की जानी चाहिए। किसान संगवारी हो, हल्दी है भूइया के भीतरी हो या चीज आए औ भूइया जत के पुष्ट रही, जत जोन जोन चीज पौधा पर जरूरी होते, पोटास है और कई प्रकार के तत्व है, तेन जब अच्छा मात्रा में रही तो हल्दी के जो कांदा है तेन अच्छा बड़े बड़े हो ही, और कहूँ अच्छा मात्रा में नहीं रही तो नुकसान पहुँची। तो संगवारी हो, हल्दी पर खातु कब कब डाले जाए, शुरू में डाले जाए कि नहीं डाले जाए, या हल्दी जब बाढ़े लगे तब कद कर डाले जाए, और कौन कौन प्रकार के खातु हल्दी पर अच्छा होते और कौन विधि से दे जाए, आ वही हुल जान लेते। हल्दी भूमि से काफी मात्रा में पोषक तत्व खींचती है। 300 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में समान रूप से डालकर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके अलावा 200 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 200 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश बुआई के पहले खेत में डाला जाना चाहिए। इसके लगभग 40 दिनों के बाद 150 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट और 60 से 80 दिनों के बाद 65 किलोग्राम यूरिया उपरिवेशन या टॉप ड्रेसिंग के रूप में फसल में डाला जाना चाहिए। किसना संगी हो, जिहा जिहा खाए पिए के जिनिस होइस तिहा तिहा जंतु के होना बहुत जरूरी हो जाते, यह एकदम पक्का होते। उमा से कुछ जीव जंतु मन तो फायदा देते हमर फसल ला, लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे रहते जो हमर फसल ला नुकसान करते, नष्ट कर देते। तो हरदी में ऐसे कौन कौन से रोग लग सकत है और ऐसे कौन कौन से सावधानी है जला मन को पहली से कर ले वो तो रोग राय नहीं लगी, और जो कुपोषण होना है, ठीक से फर नहीं लगना है, ये सब बात से मन बात जबो। तो आओ जानिन हरदी पर सावधानी का क्या करे जाए और कौन कौन से रोग के निदान कैसे करे जाए। हल्दी के तने में छिद्र करने वाली सुंडियां, जिसे कि डाइकोक्रोसिस पेस्टिफेरालियस कहा जाता है, इससे पौधे को अत्यंत हानि होती है। इसकी लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इस कीट से रोकथाम के लिए कीट ग्रसित तनों को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। थ्रिप्स नामक ये छोटे छोटे कीड़े पत्तियों और अन्य मुलायम भागों का रस चूसते हैं। इन कीटों से रोकथाम के लिए 0.03% एल्ड्रिन 20 EC का छिड़काव 4 बार 1 सप्ताह के अंतर पर किया जाना चाहिए। पीथियम एफेनी डर्मेटम नामक फफूंदी के कारण होने वाले रोग हैं प्रकंद और जड़ विगलन। इस रोग से बचाव के लिए भूमि में चेस्टनट कंपाउंड के 0.6% की घोल को 0.5 लीटर प्रति पौधे की दर से देते हैं, या बीज प्रकंदों को 0.25% सांद्रता को घुलनशील सेरेसन में बुआई से पहले 30 मिनट तक, या 0.3% विटीग्रास से 1 घंटे तक उपचारित करते हैं। हल्दी के पौधों में टेफिना मंकुलेंस और क्वालिटोटिकम क्रेप्टिकाई नामक फफूंदों से पत्तियों में धब्बे दिखाई दिया करते हैं। इसके उपचार के लिए 5:1
5:50 में बोर्डो मिश्रण का छिड़काव किया जाना चाहिए। हल्दी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला एक और रोग है, वो है पर्णचित्ती रोग। इससे रोकथाम के लिए 1% बोर्डो घोल या 0.2% ब्लाइटॉक्स घोल का छिड़काव करना अनुशंसित है। हल्दी की अच्छी फसल के लिए किसान भाइयों को इस दिशा में चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा कि इसमें लगने वाले कीट और रोग आखिर कौन कौन सा हुआ करते हैं और उनसे हमारे पौधे और प्रक्षेत्रों का बचाव कैसे किया जाना चाहिए। किसान संगी राम राम। राम राम। ये आप बहुत बढ़िया हरदी लगाए हो चारों डहर, तो ये हरदी लगाए के पहली तैयारी कैसे करें? इला साहब यानी ट्रैक्टर से 3 बार यानी जोताई अच्छा से गड्ढा से जोताई करवा दे हूँ, उसके बाद यानी घास फूस सब साफ सफाई इला निकला दे हूँ। अच्छा। और निकलाए के बाद में मैं यहाँ धागा लगा के अपन लाइन बाय लाइन से हल्दी लगाए हूँ मैं। अच्छा, ये आप मैंने नरियर के संग में हल्दी लगाए हो, एक पीछे का कारण रही आपके, कैसे बात है दिमाग में? नारियल जो है आम नारियल जो लगे है उगर बीचों बीच जो है यानी खेत है जो खाली मत होए, मैं यहाँ फसल में है लेवत हूँ हल्दी के, और अन्य दूसरा फसल तो नहीं हो पाए छाए जगह में, इसलिए मैं हल्दी अपन लेवत हूँ मैं लगाए हूँ। अच्छा, ये बताओ आपकी जो हल्दी के बीजा उखर कौन सा बीजा लगावा था, एकड़ पाछू कतका हल्दी के बीजा लग जाते, ये बात बताओ। एकड़ में 5 से 6 क्विंटल हल्दी एकड़ पीछू लगते और यानी मोला उद्यानिकी के विभाग के तरफ से यानी हल्दी के जो बीज है वहाँ से मिले है। एल कते गहीर में लगा था और पानी कैसे कैसे देता, कब कब देता? एला साहब मैं यहाँ पानी तो खैर प्लेन पलात हूँ और जो गहराई तो 8 से 9 इंच के गहरा मैं लगा हूँ सीधा मट्टी हटा के। अच्छा अच्छा, पानी शुरू से लेके आखिरी तक भर कब कब और कतेक कतेक मात्रा में लग देते, लगाए से लेकर के फर के निकालत तक ले? पानी 8-9 पानी तो लगी जाते साहब, बारिश के दिन में थोड़ा सा कम पड़ जाते, बारिश में जैसे भगवान वाला पानी जो गिर गए तो हमला पलाय में थोड़ा सोहलत पड़ जाते। तो ये पानी कतेक कम देर लगते, कतेक मात्रा में थे, कतेक गहिर दे था, 2-3 ऐसे? मोर जमीन जो है दोमट है साहब, मैं पानी यानी 6 इंच भी भर दूँ तक अंदर यानी मोर खेती के पानी साफ हो जाते, इसलिए मैं यहाँ प्लेन पलात हूँ मैं। संगी आप ला आज की जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मौका पड़ी तो फिर आबो तब बात करबो। जय जोहार।
प्रसंगी हो, आज के बताए विधि से तुहु मन बढ़िया हरदी लगावाओ और खूब कमावाओ। यही शुभकामना के साथ कार्यक्रम ले ही मेरे विराम देवत हन। अगले दिन में एक नवा जानकारी लेके फेराबो। तब तक बर जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार।